मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को अपना दोस्त बनाया तो तुम जिंदगी भर भीख मांगोगे। अगर तुमने कम तापमान के लोगों को दोस्त बनाया, अब तुम तैयारी कर रहे हो और एक आदमी रोज आके तुम्हारे पास रोता है, डेली रोता है, हमारा लगता है नहीं होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है, तुम बहुत पढ़ रहे हो, ये है वो है, और उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था, और करंट अफेयर कहां से पढ़े, डेली तुम मारो पटक के, पहले वो तुम्हारा तापमान खींच रहा है। तुम देखो कभी कभी तुम ऐसा होगा अक्सर कि तुम बड़ा निराशा फील करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा निराश क्यों है यार, ये कम तापमान के लोगों के अगल बगल रहोगे तो वही होगा, और जब हाई तापमान के लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा दोस्त, तुम आईएएस की तैयारी करो, तुम्हारा दोस्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी, तो तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मित्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की तैयारी कर रहा है, साथ में रहो, चिढ़ते क्यों हो, दोस्ती करो तापमान के नियम पर आधारित। और कैसे पता चले कि तुम्हारी तैयारी सही चल रही है, जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही है। अरे भैया 8 घंटे डेली पढ़ोगे या 10 घंटे पढ़ोगे, इससे ज्यादा ना पर सिटिंग दे पाओगे, इससे ज्यादा सिटिंग करोगे तो मंगल पे मिलोगे। मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 सिटिंग। अब इसको हजम भी तो करना है चाचा, तो कितना घंटा, 5 घंटा, 5 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स मिनिमम, 5 आवर्स मैक्सिमम। तो अगर आप 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई पर डे कितनी हुई, 13 आवर्स, और अगर आप 10 घंटे की सिटिंग दे रहे हो तो आपकी पर घंटे की पढ़ाई कितनी हुई, 15 आवर्स। जो टॉपर कहते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, ये चीज को वो डिस्क्लोज नहीं करते, इस चीज को अध्ययन मनन, मनन मतलब डाइजेशन, हजम करना, जैसे ये पेट हजम करता है ना ऐसे ये भी हजम करता है। अब मिर्जा और मन अजीब है, और वो कुछ चीजें अपने मन से हजम कर लेगा बिना बताए तुम्हारे, मिर्जापुर की पूरी सीरीज की कहानी याद हो जाएगी तुम्हें, लेकिन मुगल साम्राज्य याद करना मुश्किल है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मन हजम तो कुछ भी कर ले, इसलिए जिसका मन नैसर्गिक रूप से किताबों को हजम करता है वो चमकते रहते हैं, कुछ लोगों का नहीं करता, उनके लिए ध्यान है, साधना है, लिखो बैठ के डेली 10 पन्ना, थोड़ा गलो यार, थोड़ा जलो, थोड़ा मरो, मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। 21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे,